बच्चों वेलकम टू हर्ष एकेडमी YouTube चैनल। तो आज बच्चों लेकर के एक्सरसाइज का 11.4 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम फाइनल से आगे क्वेश्चन करेंगे। 1 टू 4 ऑलरेडी मैंने इससे लास्ट लेक्चर में करवा रखा था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जरूर देखो बच्चों। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे आपको इस मेंसुरेशन चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपका, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज अ 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको बताना है इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट। तो सबसे पहले हम इनको फिगर बनाते हैं, इसका फिगर क्या कह रहा है, राइट। चलिए फिगर पहले आप ले लें और फिगर बनाएं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या ले लें, सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमने एक सिलेंडर बना लिया, ठीक। अब इसमें कह रहा है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है 1.54 मीटर, राइट। और इसका जो बेस का डायमीटर दिया हुआ है ये आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो अगर आपको रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए तो क्या करेंगे, रेडियस हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस क्या हो जाएगा 140 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मीटर भी चेंज करेंगे तो 100 डिवाइड करेंगे 0 से खत्म, ये सेंटीमीटर तो ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर, मतलब 8 जो आया वो 0.7 मीटर साथ। तो हमको क्या कह रहा है, हाइट बताना है, फाइंड आउट क्या करना है, इसका हाइट निकालना है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिंपल, अब यहां पे कर दीजिए वॉल्यूम, लिखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो चलिए पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम क्या है 1.54, ठीक। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर की वैल्यू कितना निकाला हमने 0.7। आप चाहो इस पॉइंट को हटा करके क्या लिख सकते हो, 7/10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 7/10। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट को हमको निकालना ही है, h इक्वल्स टू व्हाट 1.54, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। अब देखो ये 10 और ये 10 100, इस 100 से 100 खत्म, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 154, h इक्वल्स टू क्या होगा 154। इसको इधर लेकर के आप जाएं तो 154 अपॉन में क्या हो गया 154 खत्म, ये क्या हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, सिंपल। तो हाइट कितना आ गया बच्चों, हाइट आ गया 1 मीटर। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी, कितनी होगी 1 मीटर होगा। अच्छे से क्लियर हुआ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुआ, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। जो आप फिगर में देख रहे हैं ये जो मिल्क टैंक दिख रहा है ये किस शेप का है, सिलेंडर का शेप, किस शेप का है, सिलेंडर का शेप का है, यस। whose radius is 1.5 centimeter, और इसका जो radius है ये पूरा जो है, इसका जो radius है ये दे रखा है 1.5 दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 1.5 meters, and length जो दे रखा है वो 7 meter, यानी ये जो length है ये दे रखा है आपको 7 meter, ठीक है। find the quantities to milk liter that can fill store in the tank, wow। इसमें कह रहा है इसके अंदर कितनी क्वांटिटीज होंगे, तो मतलब क्वांटिटी मतलब क्या, वॉल्यूम। तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है और इसका लीटर में भी बताना है। तो सिंपल करो, इस टैंक का वॉल्यूम निकालो। तो ये जो टैंक है, ये जो टैंक है कुछ इस तरीके का टैंक है कुछ,
है ना, है तो सिलेंडर ही। तो देखो इसका लेंथ जो दे रखा है वो 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर जो है 1.5 दिया हुआ है। डायमीटर में रेडियस है, रेडियस जो है ये आर दे रखा है 1.5 मीटर। तो बस इसका वॉल्यूम निकाल दो, है ना। तो कह रहे क्वांटिटीज, दी क्वांटिटीज आप मिल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल दो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 22 बटे 7। आर की वैल्यू आपको पता है, 1 घटा दो तो क्या हो गया 15/10, और ये क्या होगा बच्चों 15/10, और हाइट कितनी है 7, ठीक है। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना निकल के आ जाएगा, 25 25 है 15 15 225, ये हो जाएगा 22 × 225 बटे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मीटर्स क्यूब हो जाएगा। अब आपको 22 को 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करो 225 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 450, ठीक है। फिर क्या होगा 22 × 2 × 4 25 × 50, ठीक है 054, यानी 0594 क्या हो गया 495 हो जाएगा, क्या होगा 4950/100। इस जीरो से खत्म, ये क्या हो गया 49.5 आ जाएगा, 49.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया बच्चों, वॉल्यूम की अगर हम बात कर ले तो 49.5 मीटर क्यूब आ गया। तो एक तो आंसर निकल के आ गया, मतलब इसके अंदर कितने मिल्क होंगे इतने होंगे, लेकिन मिल्क तो मीटर में होता नहीं है, लीटर में होता है, तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद करो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है बच्चों 1000 लीटर, कितना होता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होता है, कितना होता है 1000 लीटर। तो क्या करेंगे देखो 49.5 × यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 1000 लीटर, ठीक है। ये क्या हुआ 1000, तो इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 49520 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने लीटर्स क्या होंगे इस टैंक में दूध होगा, यानी इकाई नाइन से 1000 10000 49,500 लीटर, 500 लीटर्स क्या होगा इस टैंक में दूध भरे जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, या आप ये कह लो कि इस टैंक की कैपेसिटी इतनी लीटर्स की है, कितनी है 49,500 लीटर्स, इतने लीटर्स की इसके पास कैपेसिटी है मिल्क को होल्ड करके रखने के लिए, क्लियर। आई होप बहुत मजे से समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप नोट कर ले, 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर होता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है बच्चों आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, एक क्यूब है जिसका एज जो है कह रहे डबल किया जाता है, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहला मान के चलो कि फर्स्ट की अगर बात कर ले तो एक हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्यूब ले लिया, ठीक, और एक और हमने क्यूब ले लिया, ठीक है। इसकी जो है हम साइड जो है वो क्या कर देते हैं डबल कर लेते हैं, मान लो इसका साइड हमने 1 यूनिट ले लिया और इसका हमने क्या ले लिया 2 यूनिट ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये डबल है इससे बड़ा है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का इसका अगर हम एरिया निकाले TS से टोटल सरफेस एरिया निकाल ले, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं
टोटल सरफेस एरिया, इसको ए नाम दे दो चाहे इसको बी नाम दे दो, ठीक है। टीएसए ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, इसकी साइड क्या है 1, तो 6 × 1 का स्क्वायर करोगे 1 लेके आ जाएगा 6, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम टीएसए इसकी बात कर ले, टीएसए ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज डबल, आप चाहो तो लिख दीजिए व्हेन साइड इज डबल, चाहो तो आप लिख दो, क्या लिख दो, डबल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा 6a² होगा, टीएसए निकालना है, ठीक है। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये क्या होगा 24 यूनिट स्क्वायर। तो देखो टीएसए कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 6 मतलब 6 × 4 = 24, तो 4 टाइम्स टीएसए विल इंक्रीज, क्या होगा 4 टाइम्स TSA will increase, side will be double. When, आप चाहो तो लिख दो, when side is double, ठीक है। अगर side को double कर दोगे, ठीक है, तो जो इसका TSA है वो कितने 4 टाइम्स क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, और TSA विल इंक्रीज व्हेन साइड इज डबल ऑफ द क्यूब, क्लियर। तो ये चीजें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया ना, चलिए वेरी गुड। अब हम इसके ये हमारा पहला पार्ट काम कब, जब इसके जब अब वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या होता है ए क्यूब, यानी आप चाहो तो व्हेन साइड इज, आप यहां लिख देना व्हेन साइड इज यूनिट, साइड क्या एक यूनिट होता है, तो क्या होगा 1 × 1 × 1 है ना, तो क्या होगा 1 क्यूबिक स्क्वायर, देखो 1 क्यूबिक स्क्वायर क्योंकि यूनिट तो लिया नहीं, ठीक है। अब दोबारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज डबल, ठीक है, तो साइड इज डबल ए क्यूब होगा, तो क्या होगा 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 1 क्यूबिक स्क्वायर, तो कितने टाइम्स हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स होगा, सिंपल स्टेटमेंट लिख देना, क्या हुआ 8 टाइम्स वॉल्यूम विल इंक्रीज व्हेन एरिया व्हेन साइड इज डबल, जब साइड को डबल करेंगे तो 8 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, क्लियर बात समझ में, एकदम से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, 8 टाइम्स हो गया यस। और एरिया की बात कर ले तो ये कितने टाइम्स हो जा रहे हैं 4 टाइम्स हो जाता है, और वॉल्यूम की बात कर ले तो वो 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, ओके चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहे वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूब डाइट, कह रहा है क्यूब बाइटल रिजर्वेयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट्स इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर इज 180 मीटर्स क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ हार्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वेयर, मतलब एक रिजर्वेयर जिसमें जिसकी वॉल्यूम वो जो है ये क्यूबॉइडल्स है, रिजर्वेयर कैसा है बच्चों, ये जो रिजर्वेयर्स है ये क्या है क्यूबॉइडल शेप का है, ये कैसा है रिजर्वेयर, ये क्यूबॉइडल शेप की है। अच्छा थोड़ा फिगर में अच्छे से बना दूं क्या, चलो मैं फिगर थोड़ा ढंग से बना देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, चलो फिगर बना देता हूं। ये हमारा एक रिजर्वेयर है, कैसा शेप का है क्यूबॉइडल शेप का, कैसा शेप है क्यूबॉइडल शेप का एक रिजर्वेयर है। अब कह रहा है इसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है, अब कह रहा है इसके अंदर पानी भरा जाता है,
वाटर प्योरिंग किया जाता है, बढ़ा जाता है जी। ठीक है, तो कह रहे हैं एक मिनट में, याद करो एक मिनट में इतना हो रहा है, 100 मिनट्स, एक मिनट में 60 लीटर भर देता है पानी, तो एक घंटे में कितने हो जाए, तो एक घंटे के लिए क्या हो गया, 60 × 60 लीटर हो जाएगा, यानी कितना होगा 3600 लीटर हो जाएगा। बच्चों एक घंटे में कितने हो जाएंगे, 3600 लीटर भर देंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस रिजर्वेयर में पानी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से नंबर ऑफ आवर्स क्वेश्चन को देखेंगे, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर कैपेसिटी ऑफ द क्यूबाइडेस रिजर्वेयर, कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडेस, क्यूबाइडेस रिजर्वेयर अपॉन में क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम में क्या हो गया, क्या हो गया, 100 से डिवाइड कर दूंगी वॉल्यूम, या फिर आप ये कह सकते हैं टाइम्स कंप्लीट 1 आवर्स, इन वन आवर, एक घंटे में कितना कर रहा है, ठीक है, आराम से निकल के आ जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूब बॉटल की अगर हम बात कर ले, देख लो 108 ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर है, तो कैपेसिटी आपको निकालना है, तो याद करो, अच्छा क्यूब है ना, तो देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। चलो तो इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे, एक घंटे में कितने लीटर भर देते हैं, 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दें, 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 मीटर ये हो जाएगा क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल लीटर, तो टोटली जो आएगा 108 और 30 अपॉन में 3600, ठीक है। तो इस 20 से इस 20 कैंसिल, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 0, तो क्या हो जाएगा 30 आवर्स, कितना आवर्स लग जाएगा, 30 घंटा लगेगा, 30 आवर्स लगेगा इस क्यूबाइडल रिजर्वेयर को भरने के लिए, जब एक मिनट में 60 लीटर भरेगा तो 30 घंटे में ये इतना मीटर क्यूब भर देगा, राइट। तो इसका आई होप आंसर कितना आएगा, 30 आवर्स आएगा, और यही हमसे पूछ रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वेयर, तो ये जो रिजर्वेयर को फिल करेगा कितने के लिए, 30 घंटे में, 30 आवर्स में इस रिजर्वेयर को अच्छे से क्या करेगा बच्चों, फील कर देगा, क्या करेंगे, अच्छे से फील करेंगे। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर के इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से कर दीजिए, मैंसुरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।